कैसे सीखूं मैं इंग्लिश, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिनों से हर एक वीडियो देखता हूं इंग्लिश रिलेटेड, एंड कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए मैंने बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करके भी रखा है, बट फिर भी आज तक मुझे ठीक से इंग्लिश बोलना नहीं आया। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट याद रखो, ये याद रखो, वो याद रखो, यार इतना सा तो ब्रेन है, कितना कुछ, कितना लोड लेगा यार, मैं भूल जाता हूँ क्या करना है नहीं करना है। जब भी इंग्लिश, मैंने बहुत सारे नॉलेज गैदर किया है, बट जब भी इंग्लिश बोलने का बात आता है बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहा हूँ एंड बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं ठीक से। क्या करो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कितने सारे इंडियंस है जो कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, क्या हम जैसे एवरेज लड़कों के लिए है ही नहीं ये चीज, ये लैंग्वेज? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? सो फ्रेंड्स, ऐसे सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इंग्लिश को हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि हम लोग इंग्लिश से डरने लगते हैं। बट फ्रेंड्स, आज से डरने की कोई बात नहीं है। एंड यहाँ पे मैं किसी भी यूट्यूबर या किसी भी सर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये दैट्स क्वाइट नेचुरल कि जो जिस वे में सीखेगा वो उसी वे में दूसरों को सिखाएगा भी। हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, देखते आ रहे हैं दिनों से। सो वहाँ पे यू नो इंग्लिश रिलेटेड लाखों वीडियोस अवेलेबल है। सो जो जैसे सिखाया है उस तरीके से आपको बहुत सारा नॉलेज गैदर हो सकता है। बट आई होप व्हेनेवर इट्स अबाउट स्पीकिंग सो यू मस्ट फेस सम प्रॉब्लम्स। सो फ्रेंड्स, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश को हम बहुत ज्यादा इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये जो बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो क्या करने वाले इस वीडियो में स्पेशल, बिकॉज फ्रेंड्स मैं जिस ट्रिक के साथ, मैं जिस यूनिक प्रैक्टिस के साथ इंग्लिश सिखाऊं, मेरा बिलीव है कि आज तक ऐसे ट्रिक के साथ कोई भी इंग्लिश नहीं बताया होगा ना आप लोगों ने कहीं सुना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ऐसी 7 चीजें जिसे जानने के बाद आपके लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, मेरा ये पूरा 100% गारंटी कि आपको वो 7 चीजें बहुत ज्यादा इजी लगेगा एंड बहुत ज्यादा इजी भी है। एंड हम लोग का ये टारगेट होगा कि हम लोग ये 7 चीजें 7 दिन में कवर करें। आज हम चूज करेंगे एनी वन ऑफ देम एंड आई वुड चूज टाइमिंग वर्ब। हम लोग आज टाइमिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, बट डरने की कोई बात नहीं है, मैं हर एक चीज क्लियर करने वाला हूँ। एंड अगर फिर भी आपको कुछ भी ना समझ में आए, यू कैन कमेंट मी बिलो एंड आस्क मी एनीथिंग, जो भी आप मतलब कोई भी क्वेरी हो कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं हम लोग की टाइमिंग वर्ब एक्चुअली होता क्या है, इन डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। सो कुछ भी मिस ना हो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज टाइमिंग वर्ब, राइट? टाइमिंग वर्ब मीन्स एक्चुअली होता क्या है, हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में। सो टाइमिंग वर्ब मीन्स होता है वो वर्ब जो हमें किसी भी सेंटेंस का समय बताता है। इट मीन्स वो जो सेंटेंस होगा या कोई भी सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। जिस वर्ड को देख के हमें ये पता चलेगा वो वर्ड होगा हम लोग का टाइमिंग वर्ब। जैसे हम लोग आगे एग्जांपल्स देखेंगे, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमें इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वर्ड को देख के हमें उस लाइन का समय पता चले कि वो पास्ट में है, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में है, तो वो क्या हो जाता है, हम लोग का टाइमिंग वर्ब हो जाता है। काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा सिंपल है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप चलिए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि ये कैसे यूज होते हैं, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग का एग्जांपल दिया हुआ है कि मैं रोज घर में भात खाता हूँ, राइट? सो अब इस सेंटेंस में ये कौन सा टाइम है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पास्ट में है, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। सो ये प्रेजेंट में है, यू आर राइट। हमें कैसे पता चले कि प्रेजेंट में है, बिकॉज लास्ट में जो है वो है खाता हूं। खाता हूं देखिए हमें पता चल रही है किसमें, प्रेजेंट में। तो खाता हूं क्या हो जाएगा, टाइमिंग वर्ब। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि हूं को तो हम लोग ऑक्सिलरी बोलते हैं, बट फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का अकेले कोई भी सेंस नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पूरे को टाइमिंग वर्ब ले लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो है वह इंसान मुझे कंप्यूटर सिखाता है, राइट? अब ये सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ये पास्ट में है, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में है, राइट? तो हम लोग चलिए फाइंड आउट करेंगे। यस, ये प्रेजेंट में है। अब हमें कैसे पता चले ये प्रेजेंट में है, क्योंकि इसे लास्ट में लिखा है सिखाता है, ये सिखाता है, देखिए हमें पता चले प्रेजेंट में है। तो जो सिखाता है वो हो जाएगा क्या हम लोग का, वो सिखाता है हो जाएगा हम लोग का टाइमिंग वर्ब। काफी ज्यादा इजी, काफी ज्यादा सिंपल है। एंड हम लोग इस टेक्निक को बोलने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हम लोग का जो बोलने का तरीका होता है एंड सोचने का जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो हम लोग का इंग्लिश निकलता है, ये इस टेक्टिस के द्वारा बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये टैक्टिस जो है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। एंड मैं आपको ऐसे 10 एग्जांपल्स दे दूंगा जहां पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा उस टाइमिंग का कौन कौन सा है। आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपसे बिलो इन कमेंट बॉक्स डेफिनेटली ऑल ऑफ यू। सो फिर चलिए इस वीडियो यहीं तक कर आएगा। एंड अगर आप और भी जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, इस
सातों चीजों के बारे में कि वो क्या क्या है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ एंड थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था किसी चीज को समझने में, बिकॉज बहुत लंबा हो रहा था वीडियो, तो मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में समझाया उस वीडियो में। सो मैंने सोचा इंडिविजुअल वीडियो बना लेते हैं हर एक चीज को, तो समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी आप लोगों को। सो फ्रेंड्स वीडियो रहेगा यहीं तक का। इफ यू आर इंटरेस्टेड सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इफ यू आर नॉट फिर भी कर देना यार। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और टेक केयर एंड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग।